बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिएगा पहले। मेरा नाम आयुष कुमार चौधरी है। मैंने 10th पास किया था 2017 में। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली से, जिसके बाद मैंने 1 साल का नेट्स अप्रेंटिसशिप किया और उसके बाद से मैंने BCCLE का एग्जाम दिया और इस बार मैंने एडमिशन लिया है जहानाबाद कॉलेज में सिविल ब्रांच से। तो आपने प्रिपरेशन नेट्स के दौरान किया था या फिर उसको कंप्लीट फाइनली होने के बाद? नहीं नहीं नेट्स के दौरान ही किया सर, लेकिन एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले किया, क्योंकि नेट्स में भी काम करने के दौरान उतना समय वहां मिल नहीं पाता था, वहां समय नहीं दिया जाता था उतना। ओके, तो आप लास्ट में टाइम को कैसे मैनेज किए? सर टाइम को मैनेज करना हुआ तो जैसे कि मतलब है, वहां से काम करने के बाद फिर हरासमेंट होता भी था, फिर भी अपना कुछ हद तक तैयारियां करते रहते थे। और सबसे पहले तो मुझे कंटेंट की कमी थी शुरू में, मुझे कंटेंट ये सब मिलता नहीं था कि कंटेंट कहाँ से ले। फिर कभी एक दोस्त ने मुझे बताया, मतलब गाइड किया कि हाँ आपके वीडियो ये सबसे आपसे पढ़ना चाहिए, तो फिर जा करके मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया और आपसे नोट्स ये सब प्राप्त किए थे मैंने। उसके बाद आपके मैंने देखा तो वीडियो भी अवेलेबल था बहुत सारा यूट्यूब पे, वहां से भी मदद मिला मुझे। और आपके क्लासेस किए मैथ्स के, इंग्लिश के और मैकेनिक्स के, जिसमें सबसे पहले मैंने इंग्लिश को फोकस किया क्योंकि इंग्लिश तो पासिंग रहता है, उसमें पास होना कंपलसरी होता है, इसलिए पहले मैंने इंग्लिश को फोकस किया और इंग्लिश की तैयारियाँ की और लास्ट में कुछ दिन तक मैथ और मैकेनिक्स पे फोकस किया। और ज्यादा बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया इसलिए रैंक उतना भी बेहतर नहीं आ पाया, हाँ लेकिन मुझे एडमिशन मिल गया, ये एक अच्छी बात है मेरे लिए। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा आप किस टॉपिक को फोकस किए थे? सर इंग्लिश में वो जो हम पहले तो एंटोनिम्स एंटोसाइनो के पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसके बाद में वो जो होते हैं जैसे कि कोई भी एनिमल्स ये सब कहाँ रहते हैं उनसे रिलेटेड, फिर उनके बच्चे ये सबको क्या कहा जाता है, ठीक है, और ये सब जितने भी टॉपिक्स थे, मतलब इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स थे सारे को मैंने कवर किया था। और मैथ्स मैकेनिक्स में सिमिली हो गए सर ये सब, जैसे कि इंग्लिश में तो अबाउट 50 क्वेश्चन थे जिसमें से मुझे मतलब अगर पर्सनली देखो तो मैं 40 to 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंपली बन जा रहे थे उसमें से। आपने अटेंड कितना किया था इंग्लिश में? सर अटेम्प्ट तो मैं ज्यादा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग के वीडियो ये सब देख करके इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने अटेम्प्ट 35 के अराउंड अटेम्प्ट किया था। और मैथ्स मैकेनिक्स में? मैथ मैकेनिक्स में सर मैंने बाद ज्यादा क्वेश्चन बनाने का अथी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने मैथ में अबाउट 8 क्वेश्चंस के अबाउट बनाए थे और मैकेनिक्स में 4 क्वेश्चन मैंने बनाया था। ज्यादा मुझे उस तरह से मतलब ज्यादा उस पे कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैं। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें आपको ने क्या मिस्टेक किया जिसको लेकर इस बार जो एग्जाम देंगे उन लोगों को वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए? सर मिस्टेक मैं इसी बात को समझूंगा कि मुझे मैंने जो तैयारी ज्यादा लेट प्रिपरेशन किया और साथ ही साथ मैं इससे केवल इंग्लिश पे फोकस किया, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हाँ इंग्लिश पहले है, पहले कंपलसरी है इसलिए पासिंग है, तो मतलब वो तो कंपलसरी है उसको फोकस करना है। साथ ही साथ हमें मैथ मैकेनिक्स को भी लेकर चलना होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया कि मैथ मैकेनिक्स को मैं उतने अच्छा अल्टरनेट रूप से लेकर नहीं चल रहा था, जिसके कारण से मेरा रैंक नीचे गया और मनचाहा कॉलेज मुझे नहीं मिल पाया। ओके, और जो लोग इस साल भी नेट्स कर रहे हैं उन लोगों को और कैसे तैयारी करना चाहिए? सर जो लोग इस बार नेट्स कर रहे हैं उनको तो ये बात तो रहेगी, जिस तरह से मैंने फेस किया है, मैंने देखा है कि समय की बहुत कमी होती है, वहां से काम बहुत ज्यादा लिया जाता है जिसके कारण हरासमेंट से होता है, उतना समय तो नहीं दे पाते। फिर भी मैं उन्हें कहूंगा कि कैसे भी जैसे हो सके वे समय निकाल करके इंग्लिश तो रेगुलर ही रखें, इंग्लिश तो हमेशा पढ़ते रहें और जब जब समय मिले तो उसके साथ साथ मैथ मैकेनिक्स ये सबको, जैसे कि आप लोगों का वीडियो भी अवेलेबल है बहुत सारे यूट्यूब पे, वहां से देखें, आपके वीडियो से ज्यादा मदद मिलती है, ठीक है। और बीच बीच में जो आप मोटिवेशन वाले जो देते रहते हैं वीडियो ये सब, या किसी भी जो कर चुके हैं उन लोगों से जो बात करवाते हैं, उन सब चीजों को देखें ताकि उनसे समझ पाएंगे कि हाँ कहाँ हम मतलब ज्यादा अपना फोकस कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो आपके अनुसार जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं?
सर इंग्लिश में तो एक तो है कि सिमली से हमेशा 5 क्वेश्चन एकदम आते ही आते हैं, फिर उसके साथ साथ पे पिछली बार जो एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट फॉर्म करने का, जो बड़े वर्ड्स होते थे उन्हें शॉर्ट करके लिखने का, जैसे जनवरी के हम लोग जैन ये सब लिखते हैं, इस तरह से वर्ड्स आए हुए थे हम लोग के एग्जाम्स में। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे जो जानवर ये सब रहते हैं उनके ग्रुप्स को, पक्षियों के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, ये जो 2-3 चीज है इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमेशा होता है कि सॉलिड 5-5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ओके और मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि तो अभी ज्यादा टाइम सर मैथ्स में, नहीं है, 40 दिन टाइम है फिर भी, तो जी इन डिटेल में मैथ में कैसा तो पढ़ करने के लिए उन्हें डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस के अलावा कोई अथी नहीं कर सकते। हाँ, साथ साथ मैं ये कहूंगा कि वे लिमिट के क्वेश्चंस और फिर वे डिग्री और ऑर्डर जो निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें वे ज्यादा, उन्हें सिलेक्टिव रूप से ध्यान ज्यादा उस पर ध्यान दें, क्योंकि उनसे ये क्वेश्चन रहता है कन्फर्म रहता है, और उनके क्वेश्चन जो होते हैं बाकी के रिगार्डिंग थोड़ा सा हल्के भी होते हैं, जो बनाना भी हमारे लिए वो आसान होता है, आसानी से बना, जैसे डिग्री के बना सकते हैं, ऑर्डर के क्वेश्चंस बना सकते हैं, लिमिट के क्वेश्चंस बना सकते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंशियल कैलकुलस तो उन्हें देखना ही होगा। राइट। फाइनली आप कुछ बात वैसे बता सकते हैं जिनसे जो इस बार एग्जाम देंगे उनको कुछ मोटिव मिल सके कि हाँ हमको क्यों करना है। सर एक चीज तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले जैसे कि हम लोग ये करते हैं कि इंग्लिश पढ़ते हैं उसके बाद में मैथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है मैथ पे करना चाहिए, लेकिन ये चीज हम लोग छोड़ देते हैं कि मैकेनिक्स पे फोकस नहीं करते। मैकेनिक्स के क्वेश्चन थोड़े से वास्ट तो होते हैं लेकिन उतने वास्ट नहीं होते, जैसे अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और बार बार सेम क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं, मतलब डाटा अलग होता है लेकिन थोड़ा सा ये सब उसके आसपास होता है। तो मैं उनसे बोलना फॉर्मूला चाहूंगा सेम कि यूज होता मैथ है के साथ साथ वो मैकेनिक्स पे जरूर फोकस करें। जी मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला सेम रहते हैं बस डाटा चेंज रहता है। जी 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 सर जी, फॉर्मूला सेम रहते हैं, डाटा में डिफरेंस होता है। ओके तो आपने बताया कि मैथ्स के साथ साथ मैकेनिक्स भी फोकस करना चाहिए, जी जी मैकेनिक्स बहुत जरूरी है रैंक को इम्प्रूव करने के लिए सर। बट कई सारे लोग का तो मैकेनिक्स सेमेस्टर में पढ़ना ही नहीं था, तो वे लोग पढ़ते भी नहीं, ज्यादा फोकस नहीं करते, मेनली सिविल और हाँ सर मैकेनिकल वाला तो ज्यादा इनमें मैकेनिक्स। इनमें सर जी सर इनमें ज्यादा फायदा उन लोगों को हो पाएगा जो लोग पहले से मतलब सर इंटर कर चुके हैं, क्योंकि इंटर में जो फिजिक्स ये सब पढ़ना रहता था उनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस इसमें होते हैं मैकेनिक्स में। हाँ वे बच्चे जो 10th करके आए हैं उन्हें ये तो रियलिटी है, उन्हें परेशानी होगी, तो वे ज्यादा न ध्यान देते हुए किसी एक टॉपिक को जैसे ग्रेविटेशनल के टॉपिक को या फ्रिक्शन के टॉपिक को पकड़ करके चल सकते हैं, ज्यादा उस पर फोकस न करें, जितना हो सके उतना करेंगे, साथ ही साथ मैथ पे फोकस करेंगे। दैट्स वेरी फाइन, आप हमारे साथ जुड़े और लोगों को बताए कि इस तरीके से आप कर सकते हैं अपनी तैयारी। जी और थोड़ी बात आप हमें ये बता दीजिए, कॉलेज में क्या फंडा है सीनियर का, टीचर्स का, और कैसा पढ़ाई सर, होता है? सर मैं बताना चाहूंगा कि पढ़ाई होती है सारे कॉलेज में, पढ़ाई होते हैं, पहले से हमें बताया जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई ये सब नहीं होते हैं, जिसके कारण से हम मति में रहते हैं कि हाँ हमें कॉलेज नहीं करना ये सब, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, कॉलेज में सारे कॉलेज में पढ़ाई होते हैं और सारे टीचर्स अच्छे हैं, हम लोग के कॉलेज में भी जहानाबाद कॉलेज से हूँ मैं, वहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ थोड़ा सा सीनियर्स का इशू रहता है लेकिन हाँ उतना हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, और वो लोग भी हमें तंग नहीं करते हैं, सिर्फ वे लोग हमें गाइड करना चाहते हैं, हम लोग उसको ज्यादा बात को अपने खुद पे लेकर के हम लोग उसको ज्यादा इगोइस्ट हो जाते हैं, लेकिन वैसा हमें होना नहीं चाहिए, वे लोग हम लोग गाइड करते हैं और हम लोग के भलाई के लिए जो काम करते हैं वे करते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं, उसे अच्छा ही लगा, और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है कॉलेज सब में, सारे कॉलेज में पढ़ाई होती है। और टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट के प्रति? अच्छा है सर, टीचर का भी बिहेवियर स्टूडेंट के प्रति अच्छा है, टीचर मतलब खोजते हैं सर कि जो बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं उन्हें उन पे भी ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ वैसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई से रिलेटेड ना होकर के वे दूसरे कामों में ध्यान अपना भटकाते हैं खुद से, तो उस पे टीचर्स का सर थोड़ा सा इग्नोरेंस रहता है, वे इग्नोर करते हैं उस चीजों को। थैंक थैंक यू आप जुड़े, और जो भी स्टूडेंट्स यू सर, आपकी इस वीडियोस को देखेंगे उनको अगर कोई भी हेल्प हुआ होगा तो आपको जरूर दिल से दुआ देंगे। बाकी आपका जो भी ऑफ कोर्स सर, एम है, अल्टीमेट गोल है, वो आप अचीव करें, हमारी भी यही दुआ होगी। थैंक चलिए थैंक यू यू। सर, थैंक यू सर।